हाय एवरीवन, वेलकम टू माहीज डायरी। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये बेस्ड है मदर्स डे पे। तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। आज के वीडियो में मैं बता रही हूँ तीन ऐसी आसान रेसिपीज जो बच्चे भी बना पाएंगे इजीली अपनी मम्मा के लिए। ये देखने में ही सिर्फ बहुत सुंदर नहीं है बल्कि हेल्दी भी है, क्योंकि इनमें है ढेर सारा कैल्शियम, बोन डेंसिटी और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने की पावर, जो कि एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें बनाएंगे आज। ये जो आप आइसक्रीम देख रहे हो, ये इंस्टेंट आइसक्रीम है, ये चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है। इंस्टेंट आइसक्रीम आप बना सकते हो, बस इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करके रखनी पड़ती है। दो तरीके से ये भी बना के दिखाऊँगी आपको। अभी शुरुआत करते हैं बिस्किट से। मैंने यहाँ पे चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड और वाइट चॉकलेट। आपके पास ये ना हो, आप सिंपल चॉकलेट लेके उसको मेल्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें दूध ज़रूर थोड़ा सा ऐड करना। मैंने इसको सिंपली यहाँ पे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ 30-30 सेकेंड्स का गैप के साथ मेल्ट कर लिया। अब मैं लूँगी एक टूथपिक और साथ में ओरियो बिस्किट। जहाँ पे क्रीम दिख रहा है वहाँ पर इसको इंसर्ट कर दो, ताकि ये बिस्किट खुले नहीं, क्योंकि अगर खुल गया तो आपको इसको चिपकाना पड़ेगा। तो कैसे चिपकाना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बिस्किट यहाँ पे रेडी है टूथपिक के साथ। अब इसको डेकोरेट करो आप जैसे भी करना चाहते हो। मैं यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट ले रही हूँ। आप इस तरह से प्रॉपरली कोट कर सकते हो चॉकलेट में, या फिर हाफ इस तरह से कोट कर सकते हो। मैं बहुत सारे तरीके बताने वाली हूँ बिस्किट्स को डेकोरेट करने के। तो ये मैंने स्प्रिंकलर से इसे कवर किया। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज बिस्किट्स ले रही हूँ सिंपल सनफीस्ट के। इसमें क्रीम कम होता है, तो ये देखिए ये खुल गया। अब इसको मुझे चिपकाना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इस तरह से कोई भी चॉकलेट आपके पास जो हो, जो भी यूज़ करना चाहो, इसमें थोड़ा सा इस तरह से डालो, इसको बंद करके थोड़ी देर रख दो। फ्रीज़र में रख दोगे अगर बिस्किट्स को पहले ही चिपका के, तो काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चिपके हुए बिस्किट्स को हैंडल करना काफ़ी ईजी रहता है। तो आप डेकोरेट करो इसको स्प्रिंकलर्स के साथ। अगर आपके पास स्प्रिंकलर्स नहीं हैं तो भी आप डेकोरेट कर सकते हो इस तरह से। चॉकलेट, सिंपल चॉकलेट लो, कद्दूकस लो, उसको इस तरह से अच्छे से श्रेड कर लो, तो बड़ा अच्छा स्नोई सा इफेक्ट आ जाता है ये देखिए। तो इस तरह से आप चॉकलेट के साथ भी कोट कर सकते हो अगर आपके पास कोई स्प्रिंकलर्स नहीं है तो। मैंने फुली कोट किए हैं, कुछ कुछ हाफ कोट किए हैं। और अब मैं रेडी कर रही हूँ लॉन्ग स्टिक से। अगर आपके पास इस तरह से वुडन स्टिक है तो उससे भी बना सकते हो, इसको भी चिपकाना पड़ेगा। तो इस तरह से चॉकलेट डालती हूँ इनमें भी और एक लॉन्ग स्टिक बना लूँगी। ये बेकरी से मिल जाती है बड़ी आसानी से, ये वाली वुडन स्टिक। वैसे मार्केट में मुझे कहीं नहीं मिली थी, तो इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी जब तक वो सेट हुआ। इतनी देर में मैंने कुछ और बिस्किट्स बना लिए। इसमें मैंने ऊपर कोटिंग नहीं की, मैंने क्या किया साइड्स पे चॉकलेट से कोटिंग करके उसको सजा लिया है। प्यारे लग रहे हैं ना ये भी। तो चलिए इतनी देर में वो भी रेडी। अब तो इसको चाहे डांस करवा लो, ये नहीं खुलेगा। इसको आप सजाओ जैसे आप सजाना चाहते हो। मैं इसको डिप नहीं कर रही हूँ सारा चॉकलेट में, मैं इसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट लगा के इसको डेकोरेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर MAA माँ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि बहुत ही प्यारा सा एक लुक आ जाए। मुझे ये अच्छा नहीं लगा स्टार्स से लिखा हुआ एम, तो मैंने स्टार्स को हटा के यहाँ पर जो मेल्टेड चॉकलेट बचा हुआ था वाइट, उससे इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप कोई भी मैसेज इस तरह से बना सकते हो, प्यारे प्यारे बिस्किट्स बना सकते हो। ऐसे छोटे छोटे से एफर्ट्स ऑब्वियसली मदर्स को बहुत अच्छे लगेंगे अगर बच्चे करते हैं तो। अब है मेरे पास ये डार्क चॉकलेट, इसके मैं बनाऊंगी सैंडविचेस। आपके पास सिंपल चॉकलेट हो उससे भी बना सकते हो, जो भी ब्रेड अवेलेबल हो उससे बना लो। मेरे पास वाइट ब्रेड है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। आप इस तरह से राउंड शेप में कट करो या फिर पूरा ब्रेड ले लो, जैसे भी लेना चाहते हो। सिंपली चॉकलेट इस तरह से रखो। डेरी मिल्क है तो डेरी मिल्क के क्यूब्स रख लो। आप इसको चाहे ग्रिल कर लो, चाहे तवे पे थोड़ा सा बटर लगा के इसको तवे पे रोस्ट कर लो। बहुत ही टेस्टी हॉट चॉकलेट सैंडविच ये रेडी हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीडियोस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब बारी है आइसक्रीम की, और वो भी हेल्दी वाली और इंस्टेंट भी। इसके लिए करना क्या है, आपको बनानास को पहले ही इस तरह से कट करके फ्रीज़र में रख देना है। चाहे रात को कट करके रख दो या सुबह सुबह करके रख दो, 3-4 घंटे के लिए इस तरह से अच्छे से फ्रोज़न कर लो बनानास को। ठीक है, फिर जब दिल करे, जब भी आइसक्रीम बनाने का मन है, इस तरह से ग्राइंडर जार में डालो सारे बनानास को। थोड़ा सा टफ़ लगता है उतारना, लेकिन अच्छे से उतारो, उतनी ही अच्छी पता ठंडी ठंडी सी चिल्ड आइसक्रीम बनती है। तो बनानास डालो इस तरह से, थोड़ा सा दूध ऐड करना है यहाँ पे, और बस कोई चीनी नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना है आपको, बस इसको अच्छे से ब्लेंड करो।
इंस्टेंट आइसक्रीम आपकी रेडी हो जाएगी। ये देखिए चिल्ड जा रहा है बिल्कुल, वो जैसी समझ लो थोड़ी सी मेल्ट हो गई आइसक्रीम, ये वैसा लुक आता है। और खाने में बिल्कुल चिल्ड, जैसे खाते टाइम आइसक्रीम खाते टाइम दांतों पर वो ठंडी ठंडी सी लगती है ना, बिल्कुल इसका भी वैसा ही टेस्ट आता है और बहुत चिल्ड लगती है। बस ये है कि इसका हल्का सा मेल्टेड लुक आता है। तो इंस्टेंटली बना सकते हो जब भी दिल करता है और बहुत हेल्दी भी है। इसमें चीनी नहीं गई, नेचुरल मिठास है इसमें बनानास की। या फिर इसको बनाने का एक और तरीका है, इस तरह से सिंपल बनानास को कट करो, ठीक है। फ्रोज़न नहीं किया आपने, आप भूल गए हो, सिंपली बनानास को इस तरह से लो, थोड़ा सा चॉकलेट ऐड करो जो भी आपके पास हो, मैं डार्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, अच्छे से इसको कर लो अच्छे से ग्राइंड, तो इस तरह से पेस्ट बन जाता है, मतलब प्यूरी बन जाती है। तो उसको डिब्बी में डाल के आप अच्छे से जमा लो आइसक्रीम की तरह, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर इसमें आप फ्रोज़न बनाना यूज़ करोगे तो इसको भी आप इंस्टेंटली बना सकते हो। अगर टाइम कम होना तो आइसक्रीम को स्टील या फिर सिल्वर के बॉक्स में जमाना, बहुत जल्दी जम जाएगी। मैंने प्लास्टिक में जमाई थी तो बहुत अच्छे से तो नहीं ऊपर से जमी है, लेकिन फिर भी हाँ ठीक से जम गई है, चलो काम हो जाएगा मेरा। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये चॉकलेट बनाना आइसक्रीम, हेल्दी चॉकलेट आइसक्रीम जिसमें कि नेचुरली स्वीटनेस है, कोई भी शुगर नहीं गया इसमें। इसका आप पता शेक भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है इसका शेक भी। तो ये टेस्टी ट्रीट्स मेरी तरफ से रेडी हैं, आप बना सकते हो कुछ भी जो भी आपको इजी लगे। इस तरह से सिंपल आइसक्रीम पे चॉकलेट डाल के खाओ या चॉकलेट आइसक्रीम बनाओ। अगर आपका प्लान है मदर्स डे पे स्पेशल केक बनाने का तो वेट करिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का, मैं उसमें आपको एक नहीं दो नहीं पांच पांच इजी केक आइडियाज़ बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखना बेल आइकन के साथ। तो कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिए। तो जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में, बाय।